जिला जेल से बुधवार को दीवानी में पेशी पर आए गैंगस्टर विनय शोत्रिये को उसके साथियों ने पुलिस पर हमला बोलकर छुड़ा ले गए। हमले में एक सिपाही श्यामवीर सिंह भी घायल हो गया। सूचना पर आईजी व एसएसपी सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। जनपद के बॉर्डर पर नाकाबंदी कर आरोपित की तलाश की जा रही है। जिला जेल से बुधवार को दीवानी में पेशी पर आए गैंगस्टर विनय श्रोत्रिये को उसके साथियों ने पुलिस पर हमला बोलकर छुड़ा लिया। हमले में एक सिपाही श्यामवीर सिंह भी घायल हो गया। गैंगस्टर पर 30 मुकदमे दर्ज हैं। वह फिरोजाबाद का रहने वाला है। उसके फरार होने की जानकारी होते ही आईजी नचिकेता झा व एसएसपी प्रभाकर चौधरी और एसपी सिटी विकास कुमार समेत अन्य अधिक फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। जनपद के बॉर्डर पर नाकाबंदी कर आरोपित की तलाश की जा रही है। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार स्थित गांव रूपकपुर निवासी विनय श्रोत्रिये उर्फ विनय शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा जिला जेल में 15 दिसंबर 2018 से बंद है। उसे बरहन थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विनय श्रोत्रिये का इंटर रेंज गैंग है जिसका बरहन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसे बुधवार की दोपहर जिला जेल से डकैती कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। बताया गया है कि परिसर में पहले से मौजूद उसके चार साथियों ने सिपाही पर अचानक हमला बोल दिया, पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ ले गई। ये अभी सूचना मिली थी कि एक क्रिमिनल है जो कि पेशी पे यहाँ पे जिसको ले आया जाना था और वो यहाँ लॉकअप में बंद था, यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाना था। उस दौरान उसके लगभग दो तीन साथी और आए और धक्का दे करके जो हेड कांस्टेबल लेकर के आ रहे थे उनको धक्का दिया, शायद मारने का भी प्रयास किया है और उसके बाद उसको छुड़ा के ले करके चले गए यहाँ से। अभी यहाँ पुलिस टीम मौके पे है और हम लोग जांच कर रहे हैं, साथ ही सभी जगह नाकेबंदी कराई गई है। हथकड़ी समेत गैंगस्टर को छुड़ा ले जाने की दुस्साहसिक घटना से दीवानी परिसर में अफरा तफरी मच गई। हमले में सिपाही श्यामवीर सिंह भी घायल बताया गया है। घटना की जानकारी होने पर एसएसपी समेत अन्य अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गैंगस्टर की तलाश के लिए चेकिंग शुरू करा दी। एसएसपी का कहना है कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। ये जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है जितनी अभी तक सूचना मिली है और ये गैंगस्टर के मामले में यहाँ से बंद था बरहन थाने से। ऑलरेडी इसका गैंग भी पंजीकृत है और गैंगस्टर के मामले में फिलहाल ये पेशी के अभी जाएगा। जिस सिपाही को चोट लगी है वो कहाँ भर्ती है, क्या नाम है उसका? अभी उसको उसके बारे में हेड कांस्टेबल है अनुज नाम है, पूरी जानकारी और की जा रही है। पुलिस ने दीवानी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल एक अभियुक्त को हिरासत में लिया। पुलिस को शक है कि फरार गैंगस्टर की मदद अभियुक्त द्वारा की गई है। फिलहाल हिरासत में लिए गए अभियुक्त से पुलिस पूछताछ कर रही है। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।